एक बार रावण भगवान शंकर के पास गया तो माता पार्वती को देखा तो माता पार्वती के पीछे पीछे दौड़ने लगा रावण। बोले मैं इनसे शादी करूंगा, बड़ी सुंदर है पार्वती जी। अब शंकर जी परेशान, लो पार्वती जी से विवाह करने के मन में रावण, जो अच्छी महिला दिखे रावण उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तो रावण को किसी साधु ने कहा कि पार्वती से सुंदर मैं कोई महिला तुझे दे दूं तो? अरे बोले चल जाएगी। तो ऋषि वहां पे यज्ञ कर रहे थे तो उनके पास जो खीर परोसी जा रही थी उस खीर में एक जहरीला सांप गिर गया था। तो सांप जो था उसका जहर खीर में मिल गया और सारे संतों को वो खीर परोसने वाले थे, वहां पर एक छोटी सी मेंढकी, मेंढक की मेंढकी, उसने देखा कि सांप गिर गया है, ये खीर साधु खाएंगे मर जाएंगे। तो वो छोटी सी मेंढकी सबके देखते देखते उस खीर में जान कर कूद गई कि मैं कूद जाऊंगी, ये साधु नहीं खाएंगे। अरे मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, ये साधु तो ना मरे भक्ति करने वाले। तो वो मेंढकी कूद गई। अब संतों ने खीर को फेंका तो नीचे सांप दिखाई पड़ा। संत समझ गए कि मेंढकी ने अपना बलिदान दिया है हमारी रक्षा के लिए। तब संत तो तपस्वी थे, उस मेंढकी को अपने तपोबल से एक स्त्री के रूप में परिणित किया और वो इतनी सुंदर बनी कि उसी को फिर रावण को समर्पित कर दिया। वही रावण की पत्नी मंदोदरी बनी।